वनचांस वुमन। आज की इस वीडियो में हम 500 से लेके 1200 तक के जूते देखने वाले हैं, जिसे कि मैंने अमेज़न से मंगाया। एंड गाइस, जूते इतने ज्यादा खूबसूरत आए ना। स्टार्ट करते हैं उस जूते से जो कि इस हॉल में सबसे हाईएस्ट प्राइस रेंज पे है। एंड वो जूता आता है रेड टेप की तरफ से। इसमें आपको ब्रांड बॉक्स मिल जाती है रेड टेप की। बॉक्स बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। एंड इसका मॉडल नंबर है RL01452। प्राइसिंग इसकी यहाँ लिखी गई है 4999। बट जैसे आपको पता है कि सेल का सीजन है, तो आपको जूता बहुत ही अमेजिंग प्राइस रेंज में मिलने वाला है। अंदर की तरफ में आपको रैपिंग मिल जाएगी रेड टेप की। खैर, ये सारी चीजों को साइड रख के आते हैं डायरेक्ट जूते पे। पूरे जूते के बॉडी में जो मटेरियल यूज किया गया है, वो टच करने में लेदर टाइप का लग रहा है, बट डिस्क्रिप्शन में पॉलीयूरेथीन मेंशन है। एंड डिफरेंट डिफरेंट कट के थ्रू इसके ऊपर में आपको डिजाइनिंग देखने को मिलेगी। लेस आपको इसमें पिंक कलर के ही मिलते हैं। जो लेस होल्स होते हैं, वहाँ पे प्लास्टिक के लूप टाइप के अटैच किए गए हैं। वहीं आउटर साइड में आप देखो तो आपको रेड टेप का यहाँ पे लोगो मिल जाता है। एंड उसी के नीचे में एक क्लिप टाइप का यहाँ पे अटैच किया गया है। रंग जो इस जूते का है, वो भी लाइट पिंक कलर का ही मिलता है। एंड इसमें भी आपको रेड टेप की ब्रांडिंग तो मिलती है, एंड उसी के नीचे में आपको रेड टेप की लोगो भी देखने को मिलेगी। बैक साइड में इसके आपको साइज एंड ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। कॉलर कट इस जूते की बहुत ही ज्यादा अच्छी है। पैडिंग भी इसमें आपको डिसेंट सी मिलती है। वहीं जो कॉलर कट वाला पार्ट है, वहाँ पे मेश का यूज किया गया है। इसी के बैक साइड में आप देखो तो एक लेदर पैच अटैच किया गया है, जिसमें कि आपको ये लाइंस देखने को मिलेंगे। डिजाइनिंग का ये पार्ट है, क्योंकि ये एक स्नीकर है तो फ्लैट सोल आपको मिलेगा। व्हाइट कलर का यहाँ पे सोल रखा गया है, जिसके बैक साइड में आपको रेड टेप की ब्रांडिंग भी मिल जाएगी। आउटर सोल में आप देखो तो पिंक कलर का हार्ड रबर ग्रिप यूज किया गया है, जिसमें कि आपको रेड टेप की यहाँ पे लोगो देखने को मिलेगी। साथ ही इस हार्ड रबर ग्रिप को मैट फिनिश में रखा गया, तो स्लिपनेस की कोई भी चांसेस नहीं होती है। कुशनिंग के बारे में बात करें तो इसके इनर सोल में आपको रेड टेप की फ्लो प्लस विथ मेमोरी फोम सिस्टम मिल जाता है। कुशनिंग वगैरह इसकी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। मैंने जब इसे ट्राई किया था ना, काफी कंफर्टेबल लगा। साइज मैंने इसमें अपना 7 लिया है। वही इसका जो दूसरा पैर है, इसमें आप देखोगे कि एक ये टैग टाइप का लगाया गया है, तो इनकेस अगर आपको रिटर्न करना हो तो इसे मत हटाना। बाकी ओवरऑल जूते के लुक आप देख लो, मुझे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगा। एंड लाइट कलर है तो ये वर्सेटाइल भी हो जाता है। अपने लूज फिट कार्गोज किसी के भी साथ इसे स्टाइल कर सकते हो, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। इनफैक्ट ड्रेसेस पे भी ये काफी खूबसूरत लगने वाला है। एंड हमारा नेक्स्ट वाला जो जूता है, वो स्पार्क्स ब्रांड की तरफ से आता है। ब्रांड्स देखो कितने अच्छे अच्छे रखे हैं मैंने। यहाँ पे आपको स्पार्क्स की बॉक्स मिल जाती है। एंड साइड में इसका मॉडल नंबर लिखा गया है SL226। कलर वगैरह मेंशन है। एंड यहाँ पे आपको प्राइसिंग भी इसकी मिल जाएगी 1499। आपको आपका जूता यहाँ पे रैप्ड होके मिलता है पेपर में। ये वाला जो जूता है, वो व्हाइट एंड ग्रे कलर के कॉम्बिनेशन में आया। कलर मैंने बहुत ही सटल रखा है, क्योंकि आप सबको पता ही कि लाइट कलर कितने ज्यादा वर्सेटाइल होते हैं। साथ ही ये भी बता दूं कि ये वाला जो जूता है, पूरा रैप्ड होके आया था प्लास्टिक में। बहुत ही अच्छे से पैकिंग इसकी की गई थी, क्योंकि लाइट कलर है। जूते की जो ओवरऑल बॉडी है, वो मेश के थ्रू बनाई गई है। वहीं सामने की तरफ में आप देखो तो यहाँ पे आपको होल्स दिए गए हैं, ताकि वेंटिलेशन में आपको ये हेल्प करे। ग्रे कलर से कहीं कहीं पे आपको डिजाइनिंग देखने को मिलेगी। व्हाइट कलर के इसमें आपको लेस मिलता है। लेस की भी क्वालिटी बहुत ही अच्छी। इसमें आपको व्हाइट कलर का ही टंग मिलता है, जिसमें एक पैच के थ्रू स्पार्क्स की ब्रांडिंग की गई है। टंग में आपको डिसेंट सी कुशनिंग मिलती है। बैक साइड में यहाँ पे भी स्पार्क्स की ब्रांडिंग एंड साइजिंग मेंशन है। जूते के आउटर साइड में स्पार्क्स का लोगो आपको मिल जाएगा। कॉलर कट इस जूते में आपको बहुत ही खूबसूरत से मिल रही है। एंड इनफैक्ट कुशनिंग भी कॉलर कट में बहुत ही अच्छी सी की गई है। बैक साइड में आपको यहाँ पे एक पुल्टा प्रोवाइड किया गया है। एंड इसका जो कॉलर वाला पार्ट है, वहाँ पे डार्क ग्रे कलर का यूज किया गया है। जितनी भी कलर कॉम्बिनेशन है, वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। एंड एक और बात बता दूं कि जूता बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है। एंड इसका जो सोल है, उसे थोड़ा यहाँ पे चंकी रखा गया है। साथ ही सोल में आपको डिजाइनिंग भी देखने को मिल जाएगी। एंड इसका जो आउटर साइड है, उसके अपर एंड लोअर साइड में आपको हार्ड रबर ग्रिप मिलता है। फिट सोल की क्वालिटी अच्छी है, एंड आराम से ये प्रेस हो जा रहा था। वहीं इनर सोल का आप कुशनिंग अगर देखो तो यहाँ पे स्पार्क्स का अल्ट्रा सॉफ्ट मेमोरी कुशन यूज किया गया है। ओवरऑल जो जूता है, बहुत ही स्टाइलिश तो है, साथ ही कंफर्ट के भी साथ आया है। तो फुल ऑन ये जूता एकदम पैक्ड है अच्छे क्वालिटीज के साथ। ओवरऑल इसकी भी लुक आप देख लो, मुझे ये जूता बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। व्हाइट कलर है, वर्सेटाइल है, आप इसके लिए भी जा सकते हो। नेक्स्ट वाला जो हमारा जूता है, वो कैंपस ब्रांड की तरफ से आता है। कार्डबोर्ड का बॉक्स यहाँ पे आपको मिलेगा, जिसपे की कैंपस की ब्रांडिंग की गई है। एंड इसकी प्राइसिंग यहाँ पे लिखी गई है 1099। ये भी अच्छे डील में आने वाला है। खैर, ये सारी चीजों को साइड रखते हैं एंड जूते को बाहर निकाल लेते हैं। एंड गाइस, निकालते के साथ ये जूता बहुत ही ज्यादा लाइट वेट लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ पकड़ा ही नहीं है। जो भी वेट है, सिर्फ इसके सोल में महसूस हो रही है। ये वाला जो जूता है, वो सी ग्रीन कलर में। एंड इसकी जो पूरी अपर बॉडी है, उसे भी यहाँ पे मेश के थ्रू ही बनाया गया है। इसी वजह से ये जूता इतना ज्यादा लाइट वेट लग रहा है। ओवरऑल जूता एकदम प्लेन सिंपल सा है। बस सिर्फ इसके आउटर साइड में यहाँ पे आपको कैंपस की लोगो मिलेगी। व्हाइट कलर से लोगो रखा गया है। इसके ऊपर में भी थोड़ी बहुत डिजाइनिंग कर दी गई है। शू लेस भी इसमें आपको सी ग्रीन कलर के ही मिलते हैं, बट इसके लेस होल्स में कोई रिंग नहीं अटैच किए गए हैं। बट इसके टंग में आपको यहाँ पे टंग होल्डर मिल जाएगा, जिसके थ्रू आपका टंग प्लेस में रहेगा। वहीं इसमें आपको ब्रांडिंग भी मिल जाती है कैंपस की। टंग में कुशनिंग डिसेंट सी की गई है। बैक साइड में यहाँ पे आपको साइज मिल जाएगा। बैक साइड में यहाँ पे एक पुल टैप भी लगाया गया है। एंड पुल टैप के पीछे में आप देखो तो एक लेदर पैच आपको मिलेगा, जिसके ऊपर में वेवी सी डिजाइनिंग की गई है। कॉलर कट में आपको भर के एकदम कुशनिंग मिल रही है। वहीं इनर साइड में भी आप देखो यहाँ पे कैंपस का मेमोरी टेक लाइट सोल यूज किया गया है। आउटर सोल इसका व्हाइट कलर का रखा गया है। इसके बैक साइड में आपको यहाँ पे
भी लाइन लाइन से डिजाइनिंग देखने को मिलेगी। वहीं सोल के पास में यहाँ पे योगा फ्लेक्स कैंपस लिखा गया है एंड इसका जो आउटर सोल है यहाँ पे कोई भी हार्ड रबर ग्रिप तो अटैच नहीं किया गया है, बट जो कट्स यहाँ पे यूज किए गए हैं इस वजह से आपको ग्रिपिंग में बहुत ही ज्यादा हेल्प होने वाला है। ये वाला भी जूता एक अच्छा सा ऑप्शन है क्योंकि लाइट वेट है तो इसे आप अपने डेली लाइफ में भी इंक्लूड कर सकते हो। कलर ऑप्शंस आपको जितने भी मैंने जूते दिखाए हैं सारे में मिल जाएंगे, तो अगर आपको ये कलर के लिए नहीं जाना तो आप दूसरे के लिए भी ऑप्ट कर सकते हो। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। एंड हमारा नेक्स्ट वाला भी जो जूता है वो स्पार्क्स ब्रांड का ही है। मॉडल नंबर है इसका SL199 एंड प्राइसिंग वाइज सेम यहाँ पे प्रिंट की गई है 1499। ये वाला जूता वो मरून एंड पिंक कलर के कॉम्बिनेशन में बनाया गया है। ओवरऑल इसकी भी जो बॉडी है उसमें भी आपको मेश ही मिलती है जिसके फ्रंट साइड में मेशिंग के थ्रू होल्स बनाए गए हैं जो कि आपको वेंटिलेशन में हेल्प करेंगे। एक्चुअल होल्स नहीं है इसमें, आपको मरून कलर के शूलेस मिलते हैं एंड जो होल्स वाले पार्ट होते हैं ना वहाँ पे एक अलग से रबर की पैच लगाई गई है जिसके साइड साइड में अल्ट्रा कम्फर्ट लिखा गया है। इसका जो टंग भी है उसे मरून कलर का ही रखा गया है जिसके ऊपर में आपको स्पार्क्स की ब्रांडिंग मिल जाएगी। जूते के आउटर साइड में देखे तो यहाँ पे स्पार्क्स की लोगो बनाई गई है एंड बैक साइड में एक पुल टैब भी अटैच किया गया है। वहीं इस जूते में आपको कॉलर कट तो अच्छी मिल ही रही है, साथ ही इसमें कुशनिंग भी बहुत ही अच्छी प्रोवाइड की गई है। इनर सोल में स्पार्क्स का अल्ट्रा सॉफ्ट मेमोरी कुशन यूज किया गया है एंड कुशनिंग बहुत ही अच्छी है। मिड सोल जो इसका है उसे व्हाइट कलर का रखा गया है एंड इसके मिड सोल में आपको क्रिस क्रॉस टाइप के डिजाइनिंग देखने को मिलेंगे। आउटर सोल अगर इसका देखा तो उसमें आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी का हार्ड रबर ग्रिप मिल जाता है। यहाँ पे सोल में भी आपको स्पार्क्स की ब्रांडिंग मिल जाएगी। ओवरऑल लुक आप इसकी भी देख सकते हो। अगर आप अपने डेली कॉलेज या फिर वॉकिंग के लिए कोई जूता ढूंढ रहे हो तो ये एक बहुत ही अच्छा सा ऑप्शन रहने वाला है। प्राइसिंग के बारे में अगर बात करें तो ये वाला जूता मुझे 800 के अराउंड में मिल गया था एंड प्राइस के अकॉर्डिंग आपको क्वालिटी बहुत ही अमेजिंग सी मिल रही है, आप इसके लिए भी जा सकते हो। एंड हमारे जो लास्ट वाला जूता है वो विंडोज ब्रांड का है। थोड़ा सा अननोन ब्रांड है बट जूते की क्वालिटी बहुत ही अच्छी लग रही थी मुझे। वैसे आप बताना कि आपको हमारे कंटेंट कैसे लग रहे हैं एंड आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे हैं जो कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके बस ऐसी वीडियोस देखते हैं, तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब करो एंड हमें सपोर्ट करो ताकि हम ऐसे कंटेंट्स और भी लाते रहें आप लोगों के लिए। बात कर ले अगर इस जूते की तो ये व्हाइट कलर में तो आई ही है बट इसमें डिफरेंट पैचेस के थ्रू थोड़ा कलर ऐड किया गया है। फ्रंट साइड में आप देखो तो यहाँ पे आपको क्रीम एंड पीच कलर देखने को मिलेगा एंड ये सेम क्रीम कलर वाला पैच आपको इसके शूलेस के साइड साइड में भी मिल जाता है। व्हाइट कलर के शूलेस यहाँ पे रखे गए हैं जिसके एंड पार्ट में आपको गोल्डन कलर की मेटल रिंग मिल जाती है एंड वहीं इसका टंग आप देखो तो प्यूर लेदर का टंग रखा गया है एंड इसमें आपको कुशनिंग अच्छी मिल रही है, कोई भी ब्रांडिंग वगैरह नहीं की गई है। इसी शूलेस के नीचे में एक एरो टाइप का पैच अटैच किया गया है एंड यहाँ पे हल्का सा पीच कलर का यूज किया गया है। बैक साइड में आए तो यहाँ पे मॉव कलर का पैच लगाया गया है। जितने भी पैचेस आप देख रहे हो उसमें थोड़ा सा वेलवेटी टच दिया गया है। कॉलर कट इसमें आपको डिसेंट सा मिलता है, कुशनिंग भी इसमें डिसेंट सी है, उतनी ज्यादा खास नहीं है। इनर साइड में आपको विंडोज की ब्रांडिंग मिलती है, यहाँ पे भी कुशनिंग डिसेंट सी है। व्हाइट कलर का मिड सोल तो रखा ही गया है। वहीं इसका आउटर सोल आप देखो तो यहाँ पे आपको भर के हार्ड रबर ग्रिप प्रोवाइड की गई है जिसमें कि आपको ग्रूव्स भी मिल जाएंगे जो कि आपको ग्रिपिंग में काफी ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। वैसे इसका जो मिड सोल है उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी लगी मुझे, आराम से प्रेस हो जा रहा था। हाँ बस फिटिंग में इसमें इशू आ रही थी, मैंने अपना रेगुलर साइज जो 7 है उसी में ऑर्डर किया था, मुझे सामने की तरफ से ये थोड़ा सा टाइट लग रहा था। बाकी ओवरऑल जूता प्राइस के अकॉर्डिंग आपको बहुत ही अच्छा सा मिल रहा है क्योंकि ये भी व्हाइट कलर में है तो आप समझ ही सकते हो कि ये भी कितना वर्सेटाइल होने वाला है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आई होप गाइस आपको ये जूते बहुत ही अच्छे लगे होंगे। मेरे तो फेवरेट ये रेड टेप वाला है, आपका फेवरेट कौन सा है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में, अभी के लिए बाय। जय हिंद, पीस।